नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही धुआंधार रफ्तार से चल रही होगी। तो आपके इस धुआंधार रफ्तार को थोड़ा सा मैं और रफ्तार देने के लिए आया हूँ। और देखिए, आपको पता होगा कि एक पिछले बैच का एग्जाम हो चुका है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी अंदाज़ा आपको लग चुका होगा। तो देखिए, हम जो अब जो क्वेश्चन करवाएंगे तो वह इस पर बेस्ड होगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, लोग बोलते हैं कि हम भी ऐसे बोल रहे थे क्या कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे 90% से अबव क्वेश्चन टैली करने की संभावना है, लेकिन इस बार बहुत ही उल्टा हो गया है। हमने 90% नहीं बल्कि अभी तक जो भी 2-3 एग्जाम हुए हैं उसमें हमारे क्वेश्चन 100% एकदम टैली किए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं थी, एक भी क्वेश्चन बाहर गया भी नहीं। तो अब यदि क्वेश्चन का लेवल हाई होगा या लो होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं कि आपका सिलेक्शन हमें करवाना है। किसी भी हालत में हमें यह चाहिए कि हमें आपकी सिलेक्शन करवानी है। तो इसलिए हम जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जाने की संभावना है और क्या क्या और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकता है, तो हम उन क्वेश्चनों का एक कम्बिनेशन बनाए। जो हमारे कुछ पहले क्वेश्चन थे उसको भी उठाया और देखा कि भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है। टीचर से क्वेश्चन को एनालाइज किया एग्जामिनर के, जो भी 2-3 एग्जाम हुए उसको, उसके बाद हमने यह क्वेश्चन के पैटर्न को लाया है। तो कुछ बार इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको ईजी लगेंगे, जो कि अगर नहीं होगी तो हम बना ही देंगे। तो क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा ही आया है। ऐसा नहीं सोचिए कि एग्जामिनर ने कुछ रॉकेट साइंस का कुछ नया क्वेश्चन ले आया है, कुछ दूसरे दुनिया क्वेश्चन उठाए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे अभी तक हमारे हर एक कोर्स को पढ़े हैं, हमारे जो लेक्चर पेड लेक्चर थे उसे पढ़ा हो, यूट्यूब पर जब जितने ही हमारे लेक्चर गए होंगे उसे अपने ध्यान से पढ़े होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन में हिम्मत नहीं है कि वो आपको फंसा सके। तो बच्चों, आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। यह क्लास आपको जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से 25 में से 25 क्वेश्चन कर ले जाओगे। जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर सिर्फ को लेक्चर देखे हैं वो भी आसानी से 20 से एवो भी लेके जाओगे, 20 से कम कोई नहीं लेके जाओगे। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा लेट से है, अगस्त में है, तो वो भी घबराए नहीं। वो आज भी यदि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को टैली करते हैं, क्योंकि देखिए आपको इसे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं है बल्कि हमने क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन खुद से बनाया है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे और रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग टैली कर, मतलब कि उस पर डिस्कशन करते चलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। आइए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं और हम इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हैं, यानी क्वेश्चन आएगा उसे आप बनाने के प्रयास करना। हम टाइम देंगे आपको 10 सेकंड का, उसके बाद हम उसका आंसर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आते पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बच्चों रहा आपके लिए ये, बताइए इनमें से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग आया था एग्जाम में, यदि आप थोड़ा सा भी अलर्ट रहे होंगे, यह नहीं था, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यह नहीं था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं उठाया है, बस आपको एक मोटा मोटा रफ आइडिया देने के लिए लाया हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बताइए इनमें से आपको मैच करना है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए 1, 2, 3, मतलब कि इसमें कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना। मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से एक से अधिक को जो है इसमें से सही है, करेक्ट है। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है यह बताइए आप। पहला है, सैन्य गठबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, नाटो साम्यवादी, साम्य यह होगा यहाँ पर, नाटो साम्यवादी गुटों का सदस्य था। दूसरा है, नाम पूंजीवादी देशों का गुट था, वार्सा पैक्ट का नेतृत्व भारत एवं मिस्र कर रहे थे, चीन नाटो का सदस्य देश था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। देख ली, लगा लिए, आइए आंसर बताते हैं। देखो इनमें से कौन सा कथन सत्य है उस पर चलते हैं हम लोग। पहला क्या है, नाटो साम्यवादी देशों का गुट था, तो आपको पता है नाटो साम्यवादी नहीं बल्कि किसका गुट था, तो यह पूंजीवादी का था, कैपिटलिस्ट का था।
कैपिटलिस्ट का था, यानी पूंजीवादी देशों का गुट था, न कि यह कम्युनिस्ट का था, तो यह गलत हो गया। दूसरा क्या होगा, नेमबाज ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री, जानते हो कि नेम किस लिए बना था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब, इसका एम क्या रखा गया कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी सदस्य का गुट का सदस्य नहीं बनेंगे, हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे, इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना उनका उनका गुट था, न कि कैपिटलिस्ट का, तो ये भी गलती हो जाएगा। अगला क्या है, वारसा पैक्ट का नेतृत्व तो भारत में मिस्र कर रहे थे, तो वारसा पैक्ट किसने बनाया था, तो यह जिस प्रकार नाटो बना था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप था जिसको लीड यूएसए कर रहा था, उसी प्रकार वारसा पैक्ट, ध्यान रखिएगा डेट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे डेट ही पूछ सकता है, तो वारसा पैक्ट ध्यान रखिएगा 1955 में बना था, तो कलम का मोटाई तो चेंज कर लेना। अब ठीक है, हाँ, तो वारसा पैक्ट कब बना था बच्चों, तो ये भी गलत होगा, वारसा पैक्ट बना था 1955 में, और इसका सदस्य कौन था, कम्युनिस्ट ग्रुप कर रहे थे और इसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाटो जो है, नाटो किसका सदस्य था, कैपिटलिस्ट का, और ये बना था 1949 में, ठीक है। नैम की बात करें, नैम की कब बना था, तो 1961 में, नैम कब बना था ध्यान रखिएगा, 1961 में हमारा नैम बना था, तो सभी का डेट्स भी याद रखिएगा। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेंज वी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नैम कब बना, आपके नाटो कब बने, और आपके ये वार्सा पैक्ट कब हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, चीन नाटो का सदस्य देश था, क्या चीन नाटो का था, तो आपको पता होगा कि चीन नाटो का नहीं सदस्य था, यह एक कम्युनिस्ट पार्टियों का ग्रुप कम्युनिस्ट का था, इसलिए इनमें से कौन सही होगा, तो नन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या है, कोई भी इसमें से कथन सत्य नहीं होगा, यानी सही होगा आपका डी, यू एस एस आर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान और बहुत ही, बताइए कौन सा इसमें कथन सत्य होगा, क्या पूछ रहा है, विच इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वार। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगा लिया आपने, लग गया, हो गया, चलिए आते थे कौन सा सही है, इनमें कौन थे, द बी के कृष्ण मेनन, आपको पता होगा इंडिया चाइना वार कब हुआ था, तो 1962 में, कब हुआ था 1962, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और रक्षा मंत्री कौन थे, बी के कृष्ण मेनन, ये इस युद्ध में हार का पूरा क्रेडिट जो जाता है तो बी के कृष्ण मेनन को जाता है, क्योंकि अब देखिए भारत और भारत का क्या कंसेप्ट था भाई, भारत ने पंचशील समझौता चाइना के साथ कर रखा था, पाकिस्तान के साथ कुछ दिन पहले ही है जो 1948 में हम लोग का जो विवाद चल रहा था, और 1960 में सिंधु जल समझौता हमारा हो चुका था वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में, तो हमें लगा था भाई सब पाकिस्तान द्वारा हमारा समझौता हो चुका है, हमने चीन के साथ पंचशील कर लिया है, नेपाल भूटान श्रीलंका में इतनी हिम्मत नहीं कि हम पर हमला कर दें, तो हमें लगा था कि भाई हम पैसा क्यों खर्च करें हथियारों पर, तो उन्होंने हथियार बनाने, सैन्य का भर्ती लेना ये सब छोड़ दिया था, और हमने पूरा का पूरा फोकस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। इसका कारण क्या हुआ, हमारे पास सैनिक कम थे, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार कम थे, इस कारण से हमें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है बी के कृष्ण मेनन को, और इसके द्वारा उनके खिलाफ सदन में कार्रवाई होती है और उनको अपना पद को त्याग भी देना पड़ता है इस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा कि दलाई लामा भारत आए थे, कहाँ से भारत आए थे, दलाई लामा किसके मामा नहीं, दलाई लामा एक व्यक्ति है थे, बौद्ध गुरु थे, तो वो भारत आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए बाद में बताएंगे, पहले बताइए किस देश से आए थे भारत, लगा लिए ABCD में, बस ABCD लगाना है, इतना टाइम लगाते हो, हाँ लग गया, चलिए देखते हैं, तो इन्होंने कहाँ से आए थे, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा चाइना से आया था, चाइना से नहीं आए थे, उनके लिए अलग कंट्री था उस समय, तो वो थे तिब्बत, तो आए थे कहाँ से, तिब्बत से, तो कब आए थे, तो 1958 कहीं देख सकता है, ये तो डेट महत्वपूर्ण नहीं है, तो 1958 माना जाता है, 58 में ये भारत आए थे, ठीक है लिख देता हूँ फिर भी, ये आए थे क्यों आए थे, क्योंकि चाइना द्वारा तिब्बत पर
हमला कर दिया जाता है और उसे अपने आप में मिला लिया जाता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति चाइना का विद्रोह कर रहे थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता चाइना। इस कारण से बहुत सारे जो तिब्बती यात्री थे वो भारत की तरफ रवाना हो गए। उनके जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था दलाई लामा और उन्होंने भारत से शरण मांगे कि सर हमको शरण दीजिए, चाइना मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। तो भारत में जानते हो अतिथि देवो भव का कंसेप्ट हमेशा से रहा है और भारत ने इसे शरण दे दिया। इसको चाइना ने कहा कि भाई भारत कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल मैटर्स है उनमें दखल अंदाजी दे रहा है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है। इसको लेकर के चाइना ने जो पहले से बहुत सारे इशूज थे उस दबाए हुए था उसको फिर करने लगा कि भाई अब हमारे साथ तुम्हारे रिलेशन गड़बड़ हो चुके हैं, इसलिए हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसे सुलझाओ और भी मैटर्स उसे सुलझाओ। बहुत सारे मैटर्स को लेकर चाइना अब एग्रेसिव हो गया और इसको लेकर के 1962 में वार होता है, इसे आपने देखा, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। तो इसे आपने देखा था, इसमें क्या हो जाएगा तो दलाई लामा भारत आए थे। इसमें से और भी यह क्वेश्चन बन सकता था कब कब थे क्या हुआ, यह आपने सबने पढ़ा क्या रीजन था, क्योंकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। सिर्फ मैंने क्या बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कहूँगा कि बाबू आप ये रट्टा मार लो। अरे रट्टा कितना मारोगे, दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, तो आप रट्टा कितना मारोगे वो हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आप समझ जाओगे क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, बहुत ही शानदार सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि स्वेज नहर संकट कब हुआ था। स्वेज नहर संकट कब हुआ था आप लोग ये बताइए, स्वेज नहर क्राइसिस कब आया था ये बताना है आप लोगों को। 1956, 1955, 1949, 1942 बताइए, लगा लिए जो आते हैं, जिनको आता होगा वो लगा लिए होंगे और जो नहीं है, जिनको नहीं आ रहा होगा वो सोच रहे होंगे कि 1955 लगा ले या 1956 लगा ले, सोच लिए लगा लिए आते हैं। तो ये कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था सर क्राइसिस। तो क्या था क्राइसिस, देखिए एक नहर है जिसको बोलते हैं लोग स्वेज नहर, वो सटा हुआ है मिस्र से और इजराइल को टच करता है, इजराइल को थोड़ा सा टच करता है, मिस्र से जाती है। तो वह स्वेज नहर से बहुत सारी व्यापारिक जहाज़ जाती है। तो क्या हो रहा था, अब वह मिस्र के पहले जानते हो वहाँ पर ब्रिटेन का शासन था और वो जो नहर था वो ब्रिटेन द्वारा कहीं ना कहीं योगदान दिया गया था उसे बनाने में। अब ब्रिटेन ने क्या कहा कि उस पर कब्जा करने की बात की, क्या अब मैं इसे अपने में अंदर ले लूँगा। तो अब यह मिस्र के पास जो था स्वेज नहर एक बहुत ही बड़ा वरदान था मिस्र के लिए, क्योंकि बहुत सारे विश्व के जहाज जाते थे वहाँ से और वो वहाँ से टैक्स वसूलता था। तो ब्रिटेन बोला कि भाई एक दिन यदि इस स्वेज नहर पर मेरा कब्जा हो जाता है तो यहाँ से टैक्स मैं वसूलूंगा। इसको लेकर के सबसे पहले इजराइल वहाँ पर हमला कर दिया मिस्र पर, मिस्र के पक्ष में यानी मिस्र के तरफ से, मिस्र के खिलाफ मिस्र पर हमला करने के लिए पहले इजराइल ने किया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने किया, उसके बाद फ्रांस ने किया। इसको लेकर के अब एक तरफ से तीन तीन देश और तीनों कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट गुट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसमें जानते होंगे क्या आप कि उस समय का माहौल क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। इसको लेकर के देखा कि भाई तीन तीन कैपिटलिस्ट गुंडे मेरे मिस्र के, मैंने क्या बोला कि जहाँ भी कैपिटलिस्ट आते थे जहाँ वहाँ पर कम्युनिस्ट रशिया को मतलब हो ना हो यूएसआर वहाँ पर दखलंदाजी देगा ही देगा। तो वहाँ पर देखते देखते यूएसआर आ गया किसके पक्ष में, मिस्र के पक्ष में। अब लगा कि भाई युद्ध बड़ा हो सकता है, अमेरिका आया समझाया बुझाया फ्रांस को यूके को कि भाई देखो ऐसा मत करो, गलत बात है, यदि युद्ध करते हो तो हमें भी आना पड़ेगा और यह कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार थ्री का रूप ले लेगा, इसलिए यहाँ से वापस आ जाओ। क्योंकि तो वहाँ पर यही क्राइसिस को बोलते हैं 1956 में हुआ था स्वेज नहर क्राइसिस। समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ। तो इस प्रकार से जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छी बात है। आप तो पूछ सकता है ये किन देशों ने पहले हमला किया, ध्यान रखिए पहले इजराइल ने, फिर यूके ने, फिर फ्रांस ने, तीनों मिलकर के वहाँ पर उस पर हमला करता है। उसके बाद ये यूएसएसआर और यूएसए के समझाने के बुझाने पर वो तीनों देश वापस आ जाते हैं और उस पर मिस्र को ही कब्जा रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ये रहा, ये आपको क्या करना है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन कौन थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता इनमें से कौन कौन थे जो गुट निरपेक्ष नेम के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नसीर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के क्वामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्नो, इनमें से कौन से नेता है। यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया गया है, कौन से नेता है, नन ऑफ द अबव नहीं, ऑल ऑफ द अबव, नन नहीं की जगह यहाँ पर ऑल होगा। देखिए यहाँ पर इनमें सभी है, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा इनमें से सही है बताइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, और मैंने नहीं कहता हूँ कि एक बार में आपको सही हो जाएगा, पर देखिए कि क्या नेम के बारे में पूछ रहा है गुट निरपेक्ष के। तो पहले देखना कि नेहरू जी क्या थे उसके सदस्य, तो हाँ भाई गुरु नेहरू जी तो प्रमुख में थे। मिस्र के राष्ट्रपति थे,
तो आपको पता होगा मिस्र क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य में से एक था, तो वहां पर भी ये हुआ था। अगला क्या है, यूगोस्लाविया, भूगोस्लाविया लिख दिया है, क्या कहिएगा टाइपिस्ट थोड़ा सा। यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ये भी थे, और घाना के एनक्रुमा भी थे, और इंडोनेशिया के सुकर्नो भी थे। ये पांच सदस्य प्रमुख थे इनके नेम के स्थापना करने में, और इनका प्रमुख पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में इसका समझौता होता है, जिसमें से पहली बार में 25 सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था पहला, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी नेम के सदस्य है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सब प्रमुख नेताओं में से एक है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया, चलें आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, बताइए ये पूछ रहा, भारत चीन युद्ध के समय चीन के राष्ट्र प्रमुख कौन थे। उसमें हमने पहला क्वेश्चन में क्या पूछा कि भारत के उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत चीन युद्ध के समय में चीन के राष्ट्र प्रमुख कौन थे, चीन के राष्ट्रपति कौन थे, वो बताइए। हो गया, माओ जेडोंग, चाओ एनलाई, दलाई लामा और क्वामे नक्रुमा। आप देखिए मैं क्या बोला कि आपको जब क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होने लगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से चलिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर, तो जिसमें जब आपको लगता है कि भाई वो नहीं होगा उसे पहले काट दीजिए। क्वामे नक्रुमा जानते हैं कि ये क्या थे, नेम के सदस्य थे। दलाई लामा क्या तिब्बत के थे, ये भी जानते हैं। अब यहाँ पर डाउट आपको होगा जो माओ जेडोंग में और चाओ एनलाई में, अब सोचिए कौन हो सकता है इसमें, माओ जेडोंग चाओ एनलाई में कौन हो सकता है, ये सर सोचिए उसके बाद बताइए। सोच पा रहे हो कुछ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, जोर दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर आपको वहाँ पर खुद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से में रहो। हो गया समझ में आया, अच्छा दिया, देखते हैं। तो उस समय थे माओ जेडोंग चीन के राष्ट्रपति, और यदि पूछा चाओ एनलाई कौन थे, तो हमने जब 1954 में पंचशील समझौता किया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो चाओ एनलाई। उसमें कौन थे, चाओ एनलाई थे 1954 में, और माओ जेडोंग कब थे, 1962 में चीन के राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पंचशील समझौता हमने किसके साथ किया था, चाइना के साथ किया था, उस समय चाओ एनलाई नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट समझौता चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के संबंध में कौन से कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। भारत पाकिस्तान के संबंध में कौन सा युद्ध के बाद, यानी 1971 के युद्ध के बाद की बात किया जा रहा है, बताइए। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यानी युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बने, कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्र प्रमुख मुजीबुर रहमान बनाए गए, क्या ये सही है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, क्या ये सही है, इनमें कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, ये रहे आपके, देखिए पहला तो ये जानते हैं स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्र प्रमुख कौन बने, मुजीबुर रहमान बने, ये तो सही, बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री उस समय, नहीं थे, कौन थे, इंदिरा गांधी थे, कौन थे, इंदिरा गांधी, ये गलत हो जाएगा हमारा। अब देखिए दो हमारा एक सही है, दो सही है, और इनमें से और क्वेश्चन कम से कम दो को होना चाहिए, यानी कि पूछ रहा है कि युद्ध के बाद 1971 के युद्ध के बाद वहां के राष्ट्र प्रमुख कौन बने। राष्ट्र प्रमुख कौन बने, जुल्फिकार अली भुट्टो बने थे। आपको पता होगा जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख बनते हैं कब, 1971 के युद्ध के बाद। ठीक है, तो हमारा एक और दो कथन सत्य होगा। ठीक है, यानी युद्ध के बाद की बात कर रहा है, इसीलिए हम बात करें कि उस समय तो मिलिट्री शासन था पाकिस्तान में, और उसके राष्ट्र उस समय पाकिस्तान के मिलिट्री शासन के प्रमुख कौन थे, तो याहिया खान थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यदि करेक्ट पूछा जाए तो सिर्फ दो है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमको दो सिर्फ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे हम मान सकते हैं, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद वही बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक दो हम लेकर चलेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे लिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले देश का प्रशासन किसके अनुसार चलाया जा रहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे जनरल टेस्ट में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको भी पता होगा, जो बच्चे डोमेन में पढ़े होंगे दोनों जगह ही पढ़ाया गया है। तो आप बताइए इनमें से कहाँ कौन से शासन के अकॉर्डिंग हमारा देश चल रहा था, हमारा संविधान लागू होने से पहले, 1958, 909
1947, 1935 किसके अकॉर्डिंग हमारे देश का संविधान चलाया जा रहा था, संविधान लागू होने से जस्ट पहले, बताइए सोचिए कहाँ से। बिल्कुल करेक्ट, कौन सा, 1935 के एक्ट के अनुसार चलाया जा रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा देश का जो संविधान बना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उधार का थैला है। इसमें हमने हर एक देश के संविधान से कुछ ना कुछ एडॉप्ट किया है। तो इसमें से सबसे अधिक 75% क्या 75% चीज़ें हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अडॉप्ट किया है 1935 के एक्ट से। तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते बच्चे, ये रहा बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जिसको लग गया आपके मुंह में पानी आ गया होगा, कह रहे सर ये तो मैं यूं ही फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। बताइए किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी, आपने बना लिया होगा, क्या बनाया, केरल, मणिपुर, गधे, केरल, बिल्कुल करेक्ट है, केरल सही है। जो भी बच्चे केरल लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है, केरल में बना था। और कब बना था, थैंक यू, 1956 में पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है केरला में, और वहाँ पर सरकार आती है किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की, और सबसे पहला भारत में सबसे पहला सरकारें बनती है जो कि गैर कांग्रेसी होता 1956 में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या कि 1956 में बना था सरकार और 1957 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निर्वाचित इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया, तो कहाँ, ये भी आपके केरला होगा, कहाँ, केरला। लेकिन क्वेश्चन यदि आप सिंपल पूछा जाए कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंट लॉ लगा, यानी 356 का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा पहला प्रयोग हुआ पंजाब में, कहाँ, पंजाब में, कब, 1951 to 1952 के बीच में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, यहाँ कितना क्वेश्चन बन सकता था सभी मैंने बताया, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस राज्य में बने, भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस राज्य में बने थे, बिहार में, केरल में, अरे यार अभी दे क्या क्वेश्चन देखो क्या था, गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया गया है, आप समझ सकते हो क्या, भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस राज्य में बना है। अरे जब सरकार जिस राज्य में बनेगी गैर कांग्रेसी उसी में तो प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा पहला, तो सिंपल क्वेश्चन है केरला होगा, अभी हमने देखा केरला, तो कब, 1956 में बना था, 1956 में केरला में बना था किसका सरकार, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों, ये रहा निम्नलिखित का जो विचार करना है, अब वो क्या करना है, विचार करना है, तो अभी भगवान आपके लिए विचार करेंगे, क्या है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन संधि नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वारसा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया, क्या यह कथन सत्य है, क्या आपको लगता है सत्य है, सत्य है तो उसको सही मारिए, गलत लग रहा तो गलत लगाइए, यदि नहीं कुछ जान रहे हैं तो रहने दीजिए। अगर आप चलते हैं, भारत ने शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्या भारत ने नन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया, क्या इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए, एक ओनली दो, बोथ एक और दो, नाइदर एक और नॉर दो, देख लिया कौन होगा, दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य है। आपको पता होगा कि यूएसए ने अप्रैल 1949 में क्या बनाया था, नाटो का फॉर्मेशन किया, इसके जवाब में वारसा पैक्ट कब बनता है, वारसा पैक्ट बनता है 1955 में बनता है यूएसएसआर के संगठन में, ये सही है। दूसरा क्या है, भारत ने शीत युद्ध के समय में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, ये भी पता है, क्या भारत ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, और नेम का फॉर्मेशन कब होता है 1961 में बेलग्रेड संधि द्वारा, ठीक है। तो दोनों का कथन सत्य है, यानी कि हमारा सही क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और वन और टू बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आगे भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, आप जानते हो चीर दोगे फाड़ दोगे एक कर दोगे इसको, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में विचार कीजिए, इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर बांडुंग में हुए सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, क्या ये कथन सत्य है। अगला देखिए क्या है, दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में संपन्न हुआ, क्या यह सही है।
दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या यह सही है? तीनों को देखिए, तीनों में से कौन सा कथन सत्य है उसको देख करके अब बताइए, कौन से कथन इनमें से आपको सत्य लग रहा है उसको बताना है। देख लिया आपने, लग रहा है ठीक ठाक? तो क्या होगा, पहला देखते हैं। इंडोनेशिया के प्रोफेसर बांडुंग में पहला सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष का, कब? 1956 में। उन्होंने पहला बार संधि किया कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब देखो पूरा दुनिया दो भागों में बट रहा है, तो क्या चाहते हो? तो बोला ना भाई, हम तो चाहते हैं कि हम अलग रहें। तो इन्होंने पहला बार सम्मेलन क्या हुआ था, कहाँ? प्रसिद्ध बांडुंग में हुआ सम्मेलन 1956 में। उसके बाद हमने वो के अनफॉर्मल मीटिंग था, उसके बाद 1961 के बेलग्रेड में हमने एक फॉर्मल मीटिंग बुलाई, वो अनफॉर्मल था, ये फॉर्मल था। इसमें से 25 देशों ने भाग लिया इसमें और कहा कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं कि हम एक अलग गुट जुड़े जिसमें कोई भी गुट ना हो, ना तो हम नाटो के साथ जुड़े, ना तो वार्सा पैक्ट के साथ जुड़े। और इसलिए कहा गया 1961 बना, और इसमें भारत के प्रमुख नेहरू जी प्रमुख भूमिका निभाए, इसलिए तीनों कथन आपके सत्य होंगे। क्या हो जाएगा इनमें से सभी? अरे विचार करना है, नोट ट्रू। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, नोट ट्रू पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और हम तो तीनों सत्य है, इसलिए हमें डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, तीनों सत्य है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी ध्यान फोकस करना होगा कि भाई देख लेना है कौन कौन सा कथन सत्य है, ये अर्थात देखना कि पूछ क्या रहा है वो, वाइट ये क्या हमें पूछ रहा है कि नोट करेक्ट है या बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर नोट करेक्ट पूछ रहा था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी इज द आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, विचार कीजिए। चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं देने वाला देश में से एक था। सोचिए, आप ज़रा सोचिए, हम ज़रा पानी पीते हैं। बताइए क्या है, चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं देने वाला देशों में से एक था। क्या अभी सही लग रहा है आपको, क्या है? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से अप्रैल 1954 में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किया था। क्या ये सही है, इनमें से कौन सा? सोचिए जरा क्या सही होगा। तो आपको पता होगा कि चीन की क्रांति के बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रमुख राज्यों में से सबसे पहले राज्यों में से एक था। तो ये आपके क्या हो, गलत होगा। यहाँ देना नहीं देने वाला था, नहीं, भारत ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, मैं सबसे शुरुआत ही नहीं किया था, लेकिन और सब देशों में से इनका भी पहले देशों में से स्थान था। दूसरा क्या है, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता चाओ एन लाई ने पंचशील समझौता किया था, मैंने आपको बताया। तो ये कथन आपके सत्य होंगे। आपके पूछ कौन रहा है कि आप कौन सा कथन इसमें से विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ट्रू कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ दो, यानी ओनली टू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा कि इनमें तो क्या असर्टेन रीजन का क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। अभी तो नहीं, अभी आया था, किसी बच्चे ने नहीं बताया कि ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ दे तो घबराइएगा नहीं। वहाँ पर आपको देखना है कि भाई असर्टेन को पहले पढ़ना अच्छे से, फिर रीजन को पढ़ना है। यदि दोनों करेक्ट हो जाएगा, देखना, यदि एक करेक्ट हो जाएगा तो सीधा आंसर लग जाएगा, लेकिन यदि दोनों करेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखना कि भाई क्या रीजन है जो असर्टेन का सही सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यदि कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा, नहीं कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज लैक द नेसेसरी रिसोर्सेज टू फिल देयर कंसर्न विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। क्या ये सही है? दूसरा, विकासशील देश के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन का अभाव होता है। दोनों देखना है, देख लिया, देखते क्या है। पहला क्या है, विकासशील देश जो छोटे देशों जैसे भारत आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होता है। क्या ये सही है? ऐसा थोड़ी था कि हम हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, या कहीं कहीं होते भी हैं। अब सोचना है आपको क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं, अभी कन्फर्म नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं, विकासशील देश के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन का अभाव होता है। हाँ, कुछ देश
होते रिसोर्सेस तो होते हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होता है। एक देखिए मानव एक संसाधन है, यदि व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो क्या होगा, मानव संसाधन उनके पास है तो अपना फुलफिल कर सकता है। तो आपका क्या है, तो ये कथन आपके सत्य होंगे। सरकारों का अभाव होता है, जरूरी है, ठीक है। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होता है। आप देखते होंगे अधिकांश देख हमारे विकासशील देश थे 1971 में हमें किसी न किसी रूप से ताकतवर देश चाइना के साथ ये यूएसए के साथ संधि करना पड़ा कि हाँ भाई देखिए मेरे पास कुछ गड़बड़ होने वाला है, अमेरिका हम पर हमला करने वाला है, तो हमें अर्थात ट्रीटी कर लीजिए, संधि कर लीजिए। तो हम कहीं ना कहीं छोटे देश बड़े देश पर डिपेंड होते हैं, तो क्या होगा, ये भी सही होगा। लेकिन ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहा है, ये इकोनॉमी बात कर रहा है, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि आपके बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1970 भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई, किस वैज्ञानिक के द्वारा 1940 में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, अब्दुल कलाम, सी वी रमन, होमी जहांगीर भाभा, इनमें से कोई नहीं, कौन से किनके द्वारा भारत में परमाणु नीति की शुरुआत की गई थी, बताइए सोच के। क्या एपीजे अब्दुल कलाम लगा दे एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं, क्या होगा, होमी जहांगीर भाभा। कब 1940 में किया गया था, क्या भाई हमारे यहाँ परमाणु बम होने चाहिए, इसकी शुरुआत उन्होंने किया था, लेकिन हमने आपको पता होगा कि उस समय हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हम अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे, वो एकदम जो होता है ना युद्ध के बिल्कुल खिलाफ थे, वो युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए कहा कि नहीं भाई परमाणु बम बनाएंगे ही नहीं। इसलिए हमने जब इंदिरा गांधी आती है हमारे देश में आयरन लेडी 1974 में, तो हमने पहली बार परमाणु परीक्षण किया पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, इसको हमने नाम दिया था क्या, स्माइलिंग बुद्धा। आज पूछ सकता है कि भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया तो उसका कोड वर्ड का नाम क्या दिया गया था, क्या नाम दिए थे हम लोगों ने, तो स्माइलिंग बुद्धा का उसे नाम दिया गया था, ठीक है। और जब हमने 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हमने परमाणु परीक्षण किया तो उसका नाम हमने क्या दिया था, ऑपरेशन शांति। इसको हमने फिर से बोला था जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो ये इंदिरा का ये अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर बताया गया था कि बुद्ध फिर से मुस्कुरा उठे, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शांति, ठीक है। दो हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस चीज से है ये बताना है, प्रथम परमाणु परीक्षण से, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से, पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्त करना से करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका संबंध किस चीज से है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध ये बताना है आपको, बताइए। आते हैं तो किसके संबंध है, तो स्वर्ण मंदिर में हमला से, जब आपको पता होगा कि स्वर्ण मंदिर पंजाब में क्या स्थिति चल रही थी, तो पंजाब की स्थिति पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान देखिए सबसे पहली बात ये हुआ कि 1966 में पंजाब का डिवाइड होता है, पंजाब हरियाणा के रूप में दो राज्य बन के आते हैं। अब यहाँ पर पंजाबियों का क्या हुआ, पहले तो उनका डिमांड था कि भाई पंजाब को भाषा के आधार पर एक अलग पंजाबी राज्य बनाया जाए, सरकार के सामने आग्रह भाई मांग रहा था दे दिया जाए, तो उनको दे दिया जाता कि चलो भाई अब बन जाओ नया राज्य बन गया पंजाब। अब पंजाब के पास जो अकाली दल था उनका डिमांड और बढ़ने लगा, और फिर उन्होंने क्या किया कि जल विवाद को लेकर मुद्दा बना लिया कि भाई जल को लेकर बंटवारा करो, हमारे जल हरियाणा में नहीं जाना चाहिए, ये विवाद स्टार्ट कर दिया। यानी कि पंजाब के जो नेता थे वो हमेशा वहाँ के लोकल्स का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह का मुद्दा बना रहे थे, ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा बनकर आया पंजाब में कि तो वहाँ पर पहले तो राज्य की डिमांड किए, अब वहाँ पर जो कुछ अलगाववादी थे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि ना भाई पंजाब को एक अलग देश का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी कि हमें एक खालिस्तान देश चाहिए। अब भारत के प्रधानमंत्री तो इतना तो थे नहीं इतना दयालु कि हम आप देश का डिमांड करो और हम बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई आप मांग रहे हो आज आपने डिमांड कर दिया चलो हम अलग कर देते हैं, इतना तो था नहीं। और उस समय प्रधानमंत्री भी थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और वहाँ पर जो
इसको लीड कर रहे थे, उनका नाम था भिंडरा वाले। भिंडरा वाले ने एक अलग लीड किया, उसको एक आतंकवादी संगठन का रूप दे दिया और कहा था कि भाई इसको हम अलग करेंगे और इसको लेकर के वो स्वर्ण मंदिर जाके अपना संगठन बना लेते हैं। संगठन बनाने के बाद एक किला के रूप में तब्दील कर देते हैं और पंजाब में कहते हैं कि पंजाब को इसका पूरे पंजाब का शासन हम संभालेंगे। यहाँ तक कि जो बड़े डायरेक्टर जनरल थे वहाँ पर, जो डीजी होते पुलिस का अधीक्षक, उनको भी गोली मार दिया जाता उनके द्वारा। और इतना उनका खौफ था कि उनका लाश 48 घंटे तो वहाँ पड़ी रही, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, इतना उनका खौफ था वहाँ पे। ठीक है, तो इसको लेकर के इंदिरा गांधी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करती है कि वहाँ से मिलिट्री को भेजा जाता है और ताकि वहाँ से उनके छुपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके। इसी दौरान क्या होता है कि बड़े पैमाने पर वहाँ गोलीबारी चलती है, बम चलाए जाते हैं, जिसके कारण हरमंदिर साहब जो होता है, वो गुरुद्वारा है अमृतसर का, स्वर्ण मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है और इसको सिख समुदाय अपने धर्म पर हमला के रूप में देखता है। और इसी को लेकर के 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर उनके ही गार्ड द्वारा गोली चलाई जाती है और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हो जाती है। ठीक है, तो चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो राजीव गांधी। और राजीव गांधी पंजाब का समझौता करने के लिए वहाँ के एक सिख नेता होते हैं लोंगोवाल, इसको लेकर के राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता होता है। उसके बाद यह मुद्दा थोड़ा सा दब जाता है कि भाई अब हम शांति से चलेंगे। तीसरे और भी क्या बन सकते हैं वो भी हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारा ये रहा कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता किस राज्य से संबंधित है। अभी मैंने बताया, सोच सकते हो कि इस प्रकार से जो मैं बताता हूँ, जो बोलता हूँ आपको लगता है सर क्वेश्चन भी तुमको देखना है, जो सर बताते हैं उसका क्या मतलब है, तो जो मैं बताता हूँ उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको वो भी चीज़ ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ सिर्फ 25, लेकिन 25 नहीं, रियलिटी में आपको सारे क्वेश्चन, हमारे सारे कंसेप्ट जो मैं समझाता हूँ, जो लिखता हूँ, ऊपर भी यदि आप फोकस करोगे तो टोटल 25 नहीं बल्कि हम आपके 100 से 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 75 से 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होगा इसमें देखिएगा, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता किससे बीच हुआ था, तो पंजाब के बीच में, पंजाब के साथ हुआ था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि लाल डेंगा, राजीव गांधी लाल डेंगा समझौता किस राज्य में हुआ था, आपसे पूछ सकता है। राजीव गांधी ने 3-4 राज्यों से समझौता किया था, एक आसू का समझौता किया, लाल डेंगा के साथ समझौता किया, तो ध्यान रखिएगा ये क्या कहाँ से किया था, तो मिजोरम के साथ किया। क्या से साथ? मिजोरम के साथ किया। आसू का समझौता, आसू समझौता किस राज्य से हुआ था, तो बोले आसू समझौता किसके साथ हुआ था, राजीव गांधी और असम के आसू के बीच में 1985 में हुआ। आसू क्या है, पंजाब का, ये असम का एक छात्र यूनियन है जिसको लगा कि भाई असम में बहुत सारे बाहरी लोग आ गए हैं, इनको हटाने के लिए वहाँ पर एक आंदोलन चलता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाहरी लोग आए हुए हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों को खा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक आंदोलन चलता है। आपको पता होगा 1971 के युद्ध के समय में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर शरणार्थी लोग ये असम में आकर बस जाते हैं और यहाँ में मजदूरी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और वहाँ के आसू जो स्टूडेंट यूनियन होता है वह इसके खिलाफ आंदोलन चलाता है। इसको शांत करने के लिए राजीव गांधी को खुद उस स्टूडेंट यूनियन के साथ 1985 में समझौता करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो समझौता हुआ था, लाल डेंगा के साथ मिजोरम के लाल डेंगा थे, आसू के साथ 1985 में ये सब, और लोंगोवाल के साथ राजीव गांधी का समझौता होता है पंजाब में। तो इस प्रकार से राजीव गांधी ने बहुत सारे राज्यों के साथ समझौता किया ताकि वहाँ पर शांति स्थापित किया जा सके। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आप सभी ने बना लिया होगा। बताइए इनका क्या होगा, सात बहनों के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सात बहनों के, सेवन सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर भारत की नदियाँ, मध्य हिमालय की चोटियाँ, उपयुक्त में सभी। क्या होगा इनमें से? आपको बिल्कुल सही जानते होंगे यार, ईस्टर्न रिजर्व, उत्तर पूर्वोत्तर के राज्य। इनमें से कौन कौन से राज्य है क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा आपको, 5 स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स के पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पहला असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, ये 7 राज्य होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेवन सिस्टर्स के पार्ट नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा, सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है लेकिन वह सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनर का ध्यान वहीं पर रहता है, वहीं से वो क्वेश्चन उठाता है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम क्या है? सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। अब पूछ देगा भाई कि सिक्किम कब बनकर तैयार बना, तो 1975 में भारत का एक राज्य बनता है और 1974 में यह भारत के एक अंग बनता है, भारत का एक अंग बनता है, 1975 में भारत का एक राज्य बन जाता है। अमेंडमेंट कौन हुआ था, तो
36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए हुए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चल ले, आते बच्चे नेक्स्ट प्रश्न पे। अपने हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि पूर्वोत्तर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर सरकार को ज़्यादा ध्यान आजकल जा रहा है। आपको पता है लुक ईस्ट पॉलिसी भी सरकार ने अपना लिया है, तो नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। और यह एक पूरा का पूरा चैप्टर आप पर इस पर बेस्ड था जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने देखा मणिपुर के बारे में, मिजोरम के बारे में, असम के बारे में, हर एक राज्य से संबंध क्या रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो बताइए पूर्वोत्तर संबंधित कौन सा कथन इसमें से सत्य? क्या होगा? देखिए क्या है, आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर ये पूरा इलाका असम कहलाता था। बिल्कुल सही, असम कहलाता था, असम से ही हम अलग हुए। केंद्र सरकार ने अलग अलग समय में असम को बांट करके मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग किया, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से दोनों कथन सत्य है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों, यानी सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहीं तक रुकी जाना नहीं है, अभी और भी स्थिति क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सोचना है कि भाई एग्जामिनर नॉर्थ ईस्ट पहुंच चुका है, नॉर्थ ईस्ट से उसने ये क्वेश्चन उठाया, तो और वो क्या क्वेश्चन उठा सकता है ये ध्यान रखना है। और देखिएगा कि मणिपुर त्रिपुरा के बारे में पूछा है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर त्रिपुरा उस समय क्या थे, कब वो नए राज्य बने, ये भी ध्यान देना है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बना, तो नॉर्थ ईस्ट के कब कौन सा राज्य कब फॉर्मेशन हुआ है, ये सब ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनता है 1987 में। ठीक है, सारे याद रखिएगा। आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब बनते हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जो राज्य बनते हैं, पहले पूर्ण राज्य नहीं थे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम कर रहे थे, ये तीनों बनते हैं कब? 1972 में। ठीक है, 3, 2, 5 हो गया। एक बचता है नागालैंड, नागालैंड ये कब बनता, राज्य बना 1963 में। तो आपके 7 राज्य हो गए, असम तो पहले राज्य था ही, नागालैंड 1963 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ से ये उठाने की संभावना है कि आपसे डेट्स उठा दे, आपको मैच दो फॉलोइंग दे दे, भाई मिलाओ कि कौन सा राज्य कब फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? असम की, जम्मू कश्मीर की, नागालैंड की और त्रिपुरा की? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जिसको आता होगा उसने लगा लिए होंगे, जो नहीं आते होंगे वो सोच रहे होंगे। सोच लीजिए, 10 सेकंड का टाइम और देता हूँ। सोच लिया, आते हैं तो क्या होगा? देखिए जो बच्चों को थोड़ा लगता है कि सर जल्दी जल्दी आप कर रहे हो, तो क्या करना कि आप इसे थोड़ा सा पॉज कर लेना, पॉज करके रोक लो, देख लो आंसर, उसके बाद लगाना। तो क्या होगा इसके आंसर, क्या होगा? जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, वही इसके सदस्य राष्ट्र, मतलब उसके प्रमुख थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब क्या थे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और ये जम्मू कश्मीर की पार्टी थी। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट है, ये अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1989 की गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसने किया? 1989 की गठबंधन सरकार बनी थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर ने, बीपी सिंह ने, आई के गुजराल ने, राजीव गांधी ने? पहले बताइए, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट में बताएंगे कि और क्या क्या हुआ है, क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन को मैं करा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए हर एक चीज़ को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ कि इस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के द्वारा क्या क्या और भी बन सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? जो बच्चे बीपी सिंह लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है, बीपी सिंह। 1989 में क्या होता है? 1989 के चुनाव में बीजेपी का फॉर्मेशन हो जाता है, बीजेपी एक बड़े दल के रूप में उभर के आती है, सबसे बड़े नहीं, बड़े दल के रूप में उभर के आती है। क्या होता है इस चुनाव में? सबसे बड़ी पार्टी बनती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए सीपीआई और बीजेपी ने जनता पार्टी को समर्थन दिया, और इस समर्थन को नाम हमने दिया था नेशनल फ्रंट। इसको क्या नाम दिया? नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट का नाम हमने दिया इसे। ठीक है, नेशनल फ्रंट, और इसमें कौन को जनता पार्टी थी आपकी, कांग्रेस, ये बीजेपी था और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने, तीनों मिलकर के इस गठबंधन को बनाता है नेशनल फ्रंट, और सरकारें बनती है नेशनल फ्रंट के या जनता पार्टी की तरफ से। वीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, और रुकिए,
और क्या हुआ, बीपी सिंह के समय में ही ओबीसी आरक्षण की मांग की को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कब, 1991 में। इसके बाद जानते हो 1990 में ही इम्प्लीमेंट हो चुका था, कोर्ट में जाते जाते 1992 आ जाता है ना, 1990 में ही इसे इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है, ठीक है। इसी बोलते हैं हम लोग नेशनल फ्रंट, जान गए होंगे इसके बारे में क्या था। 1989 में ये सरकारें बनती है बीपी सिंह की, ये इसे बोलते हैं नेशनल फ्रंट। ऐसा पूछ दिया जाएगा कि भाई बताओ नेशनल फ्रंट, ये बीपी सिंह किस पार्टी के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा नेशनल फ्रंट के रूप में वो प्रधानमंत्री बने थे, यानी नेशनल फ्रंट को वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इसे और कुछ देख लीजिए जरा, इसके साथ देखिए एक जगह और क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कन्फ्यूजन बनाएगा, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट उसको बोलते हैं, जो देवगौड़ा की पार्टी थी, कब बना था, 1996 में बनकर आता है यूनाइटेड फ्रंट। इसको इसके हेड कौन होते हैं, देवगौड़ा। ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से प्रधानमंत्री किस अलायंस से संबंधित रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट से, बीपी सिंह नेशनल फ्रंट से, इसके बाद देवगौड़ा के साथ साथ आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, वो भी इसी संबंधित रखते हैं, गुजराल 1997 में वो प्रधानमंत्री बनता है कि गुजराल, 1996 में देवगौड़ा, और इसमें सबसे बड़ी पार्टी रहती है बीजेपी, लेकिन सरकार में समर्थन रहता है कांग्रेस का, कांग्रेस और सीपीआई मिलकर के जनता पार्टी को ही सरकार बनवाती है, और उसके ये दो मेंबर प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का अधिक महत्व क्या है, भारत को हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई भारत को अस्थायी सदस्यता दिया जाना चाहिए यूएनओ में, अस्थायी सदस्यता क्या, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये क्वेश्चन लगा के दिखाइए क्या होगा इसका सही आंसर, परमाणु क्षमता, एशिया में स्थिति, संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता, और भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति और स्थिति राजनीतिक व्यवस्था, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए परमाणु क्षमता है इसलिए थोड़ा इसके लिए मिलेगा क्या भारत को महत्व, एशिया में स्थिति कारण से, संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता, बहुत से सदस्य, भारत की बढ़ती आर्थिक और शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि भारत आज वर्ल्ड में एक आर्थिक रूप से एक ताकतवर देश है, राजनीतिक रूप से ताकतवर देश है, इसके आधार पर भारत की जो सदस्यता है जो प्रमुखता से मानी जा रही है, क्योंकि परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी है, तो परमाणु बम के आधार पर सदस्यता मेंबरशिप मिलेगी तो पाकिस्तान भी दावा कर सकता है। एशिया में स्थिति ऐसा था कि एशिया सबसे पावरफुल यही है, जापान जानते हो कि इससे ज़्यादा पावरफुल देश बनता जा रहा है, तो इसे भी नहीं कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य 193 है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसके आधार पर मिलेगा, तो ये कह सकते हैं कि भारत एक तरह से व्यवस्था तब उभरता जा रहा है, इसलिए इसे मिलने की संभावना है, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यूएनओ के बारे में जान लीजिए क्या स्थायी सदस्यता क्या होती है। देखिए यूएनओ में एक है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ में एक है सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है यूएनओ में के अंदर, इसमें से जो सदस्य होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, एक 5 मेंबर, इधर 10 मेंबर, ये होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, इधर अनपरमानेंट होते हैं, परमानेंट नहीं होता है, अनपरमानेंट होते हैं। अब इनको जो होता है वीटो पावर मिलता है कि यानी कि जिस पर ये डिमांड कर देते हैं वह चीज़ें, मतलब कि कोई मुद्दा आया किस पर की बात विवाद होगा जिसको पास करना हो यूएनओ से, यदि इनमें से पांचों में से कोई भी देश उस पर ठप्पा लगा देते हैं तो उस पर बात विवाद नहीं होगी, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये 10 अनपरमानेंट मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, हर 2 साल के बाद इनको चेंज करते चलते हैं, ठीक है। इनमें से परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, नाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें, इनमें से नेम के बारे में बताना है आपको, नेम के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य है, ठीक है, बताइए, सोचिए और बताइए क्या है। नेम के बारे में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें से गलत है, गलत हमको चूज करना है। पहला है घाना, मिस इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और भारत के नेताओं ने नेम के प्रमुख नेता में शामिल थे, सोए रहोगे, पूछेगा बता दोगे, सही है। अगला है नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बांडुंग में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। 1977 में जनता पार्टी की सत्ता में आने तक भारत ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता का पालन किया, अब वास्तविक गुटनिरपेक्षता क्या है बाद में बात करेंगे, तीनों कथन सत्य होंगे आपके, क्या होगा, कौन से कथन
गलत कथन का चयन करना है। क्या है? गलत कथन का आपको चयन करना है, जैसे कौन सा कथन गलत है ये बताना है। लेकिन यहाँ पर हमारे सभी सभी कथन सत्य दिख रहे हैं। क्या है? यहाँ पर हम काट देते हैं, इनमें क्या हो जाएगा? None of the above, none of the above इसका हो जाएगा सही आंसर। यानी इनमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? आपके डी हो जाएंगे, यानी कि इसमें से कोई भी कथन हमारे गलत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस पर डिस्क्रिप्शन के बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। पहला, 1977 में जनता पार्टी में सत्ता में आने पर, देखो जनता पार्टी की सरकार आती है तो आपको पता होगा कि हमारा, हम बोलते क्या, हम लोग गुटनिरपेक्ष है, किसी भी नीति किसी भी देश के पक्ष में नहीं जाते। लेकिन आपको पता होगा 1971 में हमने ये रशिया के साथ संधि भी किया और हमने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया कहीं ना कहीं, और हमारा स्लाइटली जो झुकाव होता है वह रशिया की तरफ था। तो इसको लेकर के जो हमारी जनता पार्टी आती है वो कहते कि ना, हमने गुटनिरपेक्ष नीति की आप बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं झुकाव रशिया की तरफ से है, इसको तो खंडन करते हैं। और इसको लेके क्या करेंगे हम, तो थोड़ा सा हम अमेरिका तरफ से संधि कर लेंगे। तो अमेरिका से उन्होंने अपना संबंध अच्छा बनाने का प्रयास किया कि भाई जितना हम रशिया की तरफ झुके हुए हैं उतना अमेरिका से बात कर लेंगे, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने की बात की है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा, मोरारजी भाई देसाई। वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको भारत का भी सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला। भारत की भारत रत्न भी उन्होंने लिया और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशाने पाकिस्तान, उसे वो भी उन्हें मिला है। क्यों मिला है वो बात करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा वो ये तीनों कथन हमारे सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा ये रहा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में भयंकर लग रहा होगा, खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और आपको जितना अधिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप उसको आंसर उसको क्वेश्चन को उतना आसानी से कर पाओगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है, भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के अंत में होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया, क्या कथन सत्य है। दूसरा, नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे, उन्होंने व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए गुहार लगाई, क्या सत्य है। भारत NPT का समर्थन में था जब इसे अपनाया गया था, और इसके अनिश्चितकालीन विस्तार की योजना के कारण भारत को अपना रुख बदलना पड़ा, कौन सा कथन इनमें से सत्य है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही बताना है, तो आपको पता है 1940 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में चला था, ये भी सही है। नेहरू जी क्या थे, परमाणु पर ये निराश्रीकरण के पक्ष में थे, ये भी सही है। लेकिन भारत ने NPT को कभी परीक्षण कभी भी इसे अपना वो सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि NPT क्या था, इनमें कहा गया कि 1967 से पहले जो राष्ट्रों ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है वही नेक्स्ट परीक्षण कर सकता है, बाकी राज्यों को परीक्षण करने का हक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये भारत का रुख था कि भाई यह क्या है, एक पक्षपात नीति है, हम इसको नहीं मानेंगे। भारत ने कभी भी इसको नहीं माना, भारत ने नहीं माना, पाकिस्तान ने नहीं माना, इजराइल ने नहीं माना, इन देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। सही क्या है, एक और दो हमारा कथन सत्य है, यानी ए ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला दो देश कौन से हैं। जनवरी 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले दो देश कौन कौन से हैं, उनके नाम बताना है। फिनलैंड, स्वीडन, बुल्गारिया, रोमानिया, कौन से दो देश शामिल हुए हैं, सोचिए बताइए। चलिए ये आपके लिए हम होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन बता दूंगा तो क्या करोगे आप, सुस्त पड़ जाओगे। थोड़ा सा किताबें पलटो, हमारे नोट्स को उल्टो, पुराना लेक्चर देखो जिससे आपको और रिविजन होगा, और इस क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे आप, पक्का प्रॉमिस। चलते इसका आंसर आप दो बताओ, जिसे देखोगे यदि आप इसको सर्च करोगे तो क्या क्या पता चलेगा आपको, पता चलेगा कि यूरोपीय संघ है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य है, ब्रिटेन कब एग्जिस्ट अलग हुआ, ठीक है, और कौन कौन से सदस्य राष्ट्र है, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, आपके सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन से बनेंगे। यदि मैं यहाँ बता दूंगा एक क्वेश्चन, आप लोग बोला करें एक ही क्वेश्चन पता चला, लेकिन आप खुद इसको ट्राई करोगे तो आप एक नहीं 10 क्वेश्चन बना पाओगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहा, और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कैसा रहा क्लास, अच्छा लगा होगा आपको, आशा करता हूँगा।
करता हूँ, आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिएगा इसे बताइएगा, और यदि कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको मैं देखूँ और इसे और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना लगाओ, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस आए हुए अभी तक पूछा गया है उसको हम एक सीरीज में एक जगह उठा कर लाएंगे और सारे क्वेश्चन को बारी बारी से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।